आपकी वो जोरदार कमाई कहां पर होगी और आखिरी के 2 घंटे में खास तौर से कहां पर मौके बन रहे हैं ये जानेंगे और जोड़ेंगे अपने साथ एक धमाकेदार ऑप्शंस के चैंपियन। तो ईटी नौ स्वदेश पर इस हफ्ते शुरू हुआ ये खास सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन, जिसमें हम देश भर के तमाम दिग्गज डेरिवेटिव एक्सपर्ट्स को जानते हैं, उनको आप पहचानते भी हैं, उनकी सलाह पर आप अमल करके पैसे भी बनाते हैं। और इसी कड़ी में एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ हैं, एक दिग्गज ऑप्शंस प्लेयर। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज आप कौन सी स्टॉक की कौन सी स्ट्राइक की आप कॉल या पुट लेके आए हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो देखिए, आज ऑप्शन ट्रेड जो हमने लिया है वो फर्टिलाइजर स्पेस में GNFC हमारे फोकस में आज के सेशन में देखे तो अच्छे लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखे, और रोल ओवर एक्टिविटी के चलते हमें जिस तरीके की रोल ओवर एक्टिविटी हुई है, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करेगा जुलाई सीरीज में। तो हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे, जिसमें हम एट द मनी का कॉल ऑप्शन, 600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है ₹25.50 के आसपास। और इस कॉल के रिस्क को कम करने के लिए हम 630 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है ₹14 के आसपास, उसको बेचने की सलाह देंगे। तो ₹600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है और उसके सामने आपको 630 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेचना है, तो बुल कॉल स्प्रेड यहाँ बनाना है। आपकी कॉस्ट जो होनी है वो करीब ₹11.50 के आसपास कॉस्ट होनी है इस बुल कॉल स्प्रेड की। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब ₹7.50 का, और जैसा हम मान के चल रहे हैं कि GNFC में एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये अगर 630 के ऊपर अगर ये क्रॉस होता है स्टॉक, जो कि हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपके मैक्सिमम लक्ष्य जो प्रॉफिट आ सकता है वो ₹18.50 का पर लॉट प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हम बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट करेंगे GNFC में। बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करने की सलाह GNFC में दी जा रही है। 630 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आपको बेचना है, राइटिंग करनी है, और 600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। ये राजेश जी की सलाह है। जो कॉस्टिंग आएगा 11.5 का यहाँ पर आपको आएगा, 7.5 का यहाँ पर ₹7.50 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला और ऑप्शन की ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए।